नमस्कार दोस्तों। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में काफी सारे वीडियोस आपने मेरे देखे हैं एंड वी बीन टॉकिंग अबाउट हाउ गुड एंड हाउ इजी एंड हाउ गुड द रिकवरी फ्रॉम हिप रिप्लेसमेंट इज। सो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसका एक सिमिलर वीडियो आप लोग पहले देख रखे हैं। दैट वीडियो जो आपने पहले देखा है दैट इज कॉमन मिस्टेक्स आफ्टर अ टोटल नी रिप्लेसमेंट। सो आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट कॉमन मिस्टेक्स दैट वी मेक आफ्टर अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट। नाउ हम बात करेंगे अबाउट फोर थिंग्स जो कि हम हिप रिप्लेसमेंट के बाद गलतियां करते हैं। नीज में मैंने आपको फाइव थिंग्स बताया था। द रीजन इज दैट हिप्स आर जनरली इट इज अ मोर स्टेबल इम्प्लांट। हिप्स जो होते हैं इट्स इजी टू रिकवर फ्रॉम एंड इट्स मोर डिफिकल्ट टू मेस अराउंड योर हिप। इट्स मोर इजी टू मेस अराउंड विद योर नी जॉइंट। सो बिफोर यू नो आई टेल यू मोर, एज यू ऑल नो आई एम डॉक्टर गौरव खेड़ा। I'm a joint replacement surgeon. I'm working with Apollo Spectra. I'm also visiting with the Bir Kapoor Hospital in Delhi. And so what we're talking about today is common mistakes which are made after total hip replacement. Now, first and most important common mistake that people make after a total hip replacement is that they go and have a fall. मतलब घर जाते हैं और गिर जाते हैं। अब I'm sure आप घर पे बैठे हुए जो वीडियो देख रहे हैं आप ये कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, गिर जाते हैं। सो मैं जब भी पेशेंट मेरा डिस्चार्ज होता है मैं डेफिनेटली पेशेंट को बोलता हूँ दैट यू हैव टू मेक योर एनवायरनमेंट फ्रेंडली टू योर हिप रिप्लेसमेंट। मतलब आपने अपने घर का जो एनवायरनमेंट है वो आपने इस हिसाब से रखना है कि आपकी एक सर्जरी हुई है और आप उस सर्जरी से रिकवर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लूज वायर्स नहीं होनी चाहिए, कार्पेट्स में कोई फोल्ड्स नहीं होने चाहिए, गीले फ्लोर्स पे आपको बच के चलना चाहिए। जब तक डॉक्टर बोले तब तक प्लीज़ आप लोग अपना वॉकर यूज़ करें। वॉट हैपन्स अगर फॉल होता है तो पेशेंट गिरेगा, फ्रैक्चर्स के चांसेस रहते हैं। जो हमारी स्टेम डलती है हिप रिप्लेसमेंट में उसका एंड इज एक्चुअली अ फोर इट्स अ देयर इज लॉट ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट यू कैन हैव इज इट्स कॉल्ड अ पेरिप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर। तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। सेकेंड अगर आप गिर जाएंगे तो डिसलोकेशन के चांसेस होंगे। सो वी डोंट वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स टू बी हैपनिंग एंड दीज थिंग्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन। आज की डेट में कई पेशेंट्स हैं जो घर जाते हैं सर्जरी के बाद गिर के फ्रैक्चर के साथ डिसलोकेशन के साथ वापस आते हैं। सो दैट डेफिनेटली नीड्स टू बी अवॉइडेड। सेकेंड थिंग जो मैंने आप लोग को बताया था जैसे सिमिलर मैंने नी में भी बोला था इज फिजियोथेरेपी। पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी अगर मैं हिप में बात करूँ तो उसकी जो लेंथ ड्यूरेशन होती है वो उतनी नहीं होती जितनी नी में होती है, बट प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी नी में होती है। मसल्स तो लॉट ऑफ मसल्स आर देयर जो कि आपके हिप के अराउंड होते हैं, आपके ग्लूटियल मसल्स होते हैं, रोटेटर्स होते हैं। दीज मसल्स की स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मसल्स जितने स्ट्रेंथन होंगे आपका सर्जरी के बाद रिकवरी उतनी ही अच्छी होगी। हिप रिप्लेसमेंट में एडवांटेज ये होता है कि जनरली अगर मैं पेन का कंपेरिजन करूँ बिटवीन अ हिप एंड नी, सो हिप इज जनरली लेसर पेनफुल एज कम्पेयर टू अ नी। सो पोस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन हमेशा ईजी रहती है। बट एज पेशेंट्स हम लोग ये अपना प्री ऑप रिहेबिलिटेशन को हमेशा इग्नोर करते हैं एंड दैट इज वेयर थिंग्स कैन गो हेवायर। सेकेंड थिंग आई फील इज दैट पेशेंट्स डिले द सर्जरी इन अ हिप फार मोर देन दे डू इन द नी। हिप में सर्जरी डिले करने से शॉर्टनिंग ज्यादा होती है, मसल्स जो होते हैं वो ज्यादा खराब होते हैं। सो ऑल दैट शुड बी अवॉइडेड। नाउ थर्ड थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट यू इज कॉमन मिस्टेक्स पीपल दे गेट बैक टू देयर यू नो ऑल देयर मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग and then they start doing high impact activities, they start jumping around, they start doing the dancing and everything. Of course you can do all that, but repetitive high impact activity should be avoided because that will definitely lead to an early wear and tear of your implant and we don't want that to happen. And finally fourth, as Indians hum log cross leg bahut baithte hain, matlab chaukri maar ke hum log bahut baithte hain. So kuch certain movements should be avoided, jaise cross leg sitting. पेशेंट्स बैठ पाएंगे बट वॉट हैपन्स इज कि एक पॉइंट आएगा वेयर योर हिप विल पॉप आउट, जिसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। आज से कई साल पहले जो हिप के इम्प्लांट्स आते थे दे वर वेरी रिजिड इम्प्लांट्स, उनमें इतना रेंज ऑफ मोशन नहीं होता था, सो डिसलोकेशन के चांसेस वो ऑलवेज वेरी हाई। बट इन टूडेज डेट इट्स बिकम अ वेरी मॉडुलर इम्प्लांट, एवरी पार्ट इज सेपरेट, द कप इज सेपरेट, द लाइनर इज सेपरेट, द हेड इज सेपरेट, देन उसके बाद फिर स्टेम इज सेपरेट। तो मॉडुलरिटी से एडवांटेज ये होता है कि डिसलोकेशन के चांसेस कम होते हैं, वेयर एंड टेयर भी कम हो जाता है। बट फिर भी आप अगर यू नो कई पेशेंट्स योगा करते हैं कहते हैं कि भाई हम सारे अपने योगा के आसन कर पाएंगे, नहीं आप नहीं कर पाएंगे।
आप नी को हाइपर फ्लेक्स करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हिप नी को आप अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे, रोटेट करेंगे बाहर की तरफ, तो आपका ये हिप जो है डिसलोकेट हो जाएगा। हिप अगर डिसलोकेट होता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू इमीडिएटली रिड्यूस इट, और कई बार ये रिड्यूस नहीं हो पाता है विदाउट ओपनिंग, ऑपरेट करके फिर से खोल के रिड्यूस करना पड़ता है, कभी कभार कुछ कॉम्पोनेंट्स भी चेंज करने पड़ जाते हैं हिप में। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आज आपको बताना चाहता था, विच आर कॉमन मिस्टेक्स जो कि मेरे पेशेंट्स करते हैं। तो आई री समराइज देम, फर्स्ट इज फॉल्स, फॉल से बचना बहुत जरूरी है। सेकेंड इज प्री ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमको अपनी मसल बिल्डिंग करनी है। थर्ड इज हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज, वो अवॉइड नहीं करते हैं पेशेंट्स। एंड फाइनली फोर्थ, कि जो डॉक्टर्स आपको मूवमेंट्स करने के लिए मना करते हैं वो मूवमेंट्स आपको नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से डिसलोकेशन के चांसेस बढ़ते हैं। सो आई होप आपको कुछ आइडिया है अब कि जो मिस्टेक्स पेशेंट्स घर पे जाके क्या करते हैं, एंड आप में से जिनका भी हिप रिप्लेसमेंट हुआ है या होने वाला है, यू शुड बी अवॉइडिंग ऑल दीज मिस्टेक्स। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन फील फ्री टू गेट इन टच विद मी ऑन द नंबर जो कि नीचे स्क्रॉल हो रहा है, और यू कैन ईमेल मी या नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई बैक टू द क्वेश्चंस। थैंक यू। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.